Hi everyone, this is Nishtha and welcome back to the channel. So as promised, I am here back with another video of analysis for yet another subject of CUET 2022. And in today's video, we are going to be talking about the English language subject analysis. Kaise questions the, kis level ke preparation needed hai and stuff. I've segregated the entire syllabus into some major heads. And उनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किस हेड से कितने क्वेश्चंस थे ओवरऑल एंड क्या लेवल रहा एग्जाम का. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. आई विल शेयर माय स्क्रीन. या सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ इंग्लिश टेस्ट. या सो एग्जाम को रिलेटेड मेरा ओवरऑल ओपिनियन कैन बी समराइज्ड इन 3 पॉइंट्स. आपका जो एग्जाम था वो काफी बेस्ड था आपकी वोकैबुलरी पे. तो आपके जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, एनालॉजीज है एंड आपका काफी हद तक सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो क्वेश्चंस थे वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस काफी सारे थे एग्जाम में. आई से अगर आपको आरसीज पढ़ के समझने में टाइम लगता है तो उसकी प्रैक्टिस कर लो बिकॉज द एग्जाम दैट आई नो ऑफ हैड 3 आरसीज एंड उन आरसीज को पढ़ना विद इन द टाइम लिमिट उनको समझना एंड फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बिकम्स डिफिकल्ट अगर आपको आरसीज या लॉन्ग पैराग्राफ्स पढ़ के समझने की आदत नहीं है. तो दैट वुड बी वन टिप कि आरसीज जो लॉन्ग पैराग्राफ्स होते हैं उनको पढ़ के समझने की आदत डालो. फॉर दैट आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो कि आप इंग्लिश सेक्शन में अपनी रीडिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हो. आई विल टैग द वीडियो समवेयर हियर. तो वन थिंग दैट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इन द एग्जाम क्योंकि शायद सिलेबस में कहीं इतना एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था या फिर मेरा ध्यान नहीं गया. तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपसे वो पोएटिक डिवाइसेज एंड फिगर्स ऑफ स्पीच भी पूछेंगे. तो आपका जो लिटरेचर में सीबीएसई की जो बुक्स होती थी जिसमें आपकी पोएम्स होती थी स्टोरीज होती थी तो उसमें कुछ ना कुछ हमारे ऐसे फ्रेजेस होते थे जो जनरली ओवर द पास्ट 4 or 5 years आपका पूछा जाता था कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया है. तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम में. बट डोंट वरी ऐसे नहीं थे कि अगर आपने वो पोएम या स्टोरी नहीं पढ़ी या आपको याद नहीं है तो आप वो आंसर नहीं कर पाओगे. आपको एलिटरेशन है अगर आपको दिख रहा है कि साउंड्स एंड वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि एलिटरेशन है. आपको पर्सोनिफिकेशन इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे पर फॉर दैट यू नीड टू नो व्हाट पर्सोनिफिकेशन इज व्हाट एलिटरेशन इज एंड दैट इज द ओनली एफर्ट दैट्स रिक्वायर्ड टू बी अवेयर ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस एंड फिगर्स ऑफ स्पीच दैट कैन बी पोटेंशियली आस्क्ड. इतनी कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है कि यू गो बैक टू योर लिटरेचर बुक्स एंड उनको पढ़ के उनमें से कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस थे उनको आप पढ़ना शुरू कर दो. दैट इज नॉट एट ऑल नीडेड. आपको बस अवेयरनेस होनी चाहिए कि पर्सोनिफिकेशन का मीनिंग क्या है एलिटरेशन का मीनिंग क्या है सो दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि उस गिवन सेंटेंस में क्या यूज हुआ है. एंड इवन इफ इट फील्स अ बर्डन फॉर यू यू नीड टू अटेम्प्ट 40 questions out of 50 and you can easily leave out the poetic devices questions in the choices if you feel ki aapse manage nahi ho pa rahe. बट ट्रस्ट मी थोड़ा बहुत एफर्ट डाल लो कि मेन मेन पोएटिक डिवाइसेस एंड फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं. इफ यू आर नॉट रियली अवेयर या अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो अ लिटिल एफर्ट कैन गो अ लॉन्ग वे जब आपको वहां एक आधी क्वेश्चन में क्वेश्चन देखते ही आप पहचान जाओगे कि कौन सा है एंड यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड यू सिक्योर योर 5 marks देयर. तो आपका मेटाफोर सिमिली इन सब के कुछ आइडेंटिफाइंग ट्रिक्स होती है दैट यू कैन ईजिली गूगल एंड फाइंड आउट. तो अगर आपको वो छोटी मोटी ट्रिक्स है अगर आपको हाफ एन आवर भी लग रहा है पूरे पोएटिक डिवाइसेस करने में एंड दैट कैन सेव यू 2 or 3 क्वेश्चंस इन योर एग्जाम तो व्हाई नॉट डू दैट. सो या मूविंग ऑन टू द मोर डिटेल्ड एनालिसिस आई रिमेम्बर ऑफ द पेपर. सो मैंने काफी ब्रॉड हेडिंग्स में डाल दिया है जैसे वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस में आई हैव इंक्लूडेड सिनोनिम्स एंटोनिम्स रिलेटेड क्वेश्चंस जो थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड आपके एनालॉगस पेयर के काफी क्वेश्चंस देखने को मिले बट दे वर ऑल सिंपल अटैच डिटैच रिट्रीट एडवांस ये बेसिक वर्ड्स जो आपके हैं इनसे एनालॉजीज ड्रॉ करनी थी. तो दैट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट. आपका हॉर्स जॉकी कार शॉपर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे. तो आई डोंट थिंक सो कि इनमें कुछ इतनी दिक्कत आनी चाहिए. वो कैब बेस्ड क्वेश्चंस में अगर हम इन सबको जोड़ दें सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड एनालॉगस पेयर्स एंड इनसे रिलेटेड जो भी वो कैब ड्रिवन क्वेश्चंस होते हैं जिनमें अगर आपको वोकैबुलरी आती है तो यू कैन इजीली सॉल्व दोस क्वेश्चंस.
ऐसे क्वेश्चंस आई वुड से क्लोज टू 19-20 थे। तो मतलब आपका जो पेपर पूरा था वो कैप बेस्ड था। ऑल्सो रिमेम्बर कि दिस एनालिसिस इज ऑफ द पेपर दैट केम ऑन 17th August 2022। ऑल्दो ऐसा नहीं होगा कि एक शिफ्ट में कुछ और पूछ रहे हैं, एक शिफ्ट में बिल्कुल ही कुछ और पूछ लिया। ओवरऑल पैटर्न ऐसा ही रहेगा, बट डोंट ट्रीट इट एज अ स्ट्रिक्ट गाइडलाइन कि वो कैप बेस्ड तो 19-20 क्वेश्चंस होंगे। हो सकता है 15 हो जाए, हो सकता है 25 हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। बट ये जनरल ट्रेंड यही चलना चाहिए कि आपका वो कैप का जो लेवल था या वो कैप से रिलेटेड जो क्वेश्चन का लेवल था तो वो ओवरऑल सेम रहना चाहिए। ऑल दो थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, वो आपका फाइनल जब आप स्कोर्स आते हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन भी होती है इफ यू आर नॉट अवेयर। तो आई वुड मेक अ सेपरेट वीडियो एक्सप्लेनिंग कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, बट दिस इज समथिंग यू डोंट नीड टू वरी अबाउट राइट नाउ। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके 3 पैराग्राफ्स थे, 3 पैराग्राफ्स में आपकी जो लेंथ थी वो क्लोज टू 150 to 200 वर्ड्स होगी। ज्यादा बड़े पैराग्राफ्स नहीं थे आपके, बट ऐसे थे कि अगर आपको आदत नहीं है पढ़ने की तो आपको थोड़ी सी आदत लगानी पड़ेगी, क्योंकि आरसीज को पढ़ना, समझना और फिर क्वेश्चंस का आंसर टैली करना, इसमें टाइम जाता है। एंड 3 आरसीज जो है कम नहीं है, 3 आरसीज आर अलॉट। तो क्वेश्चंस वर वेरी इजी, क्वेश्चंस वर वेरी इजी, काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। तो आपका कई बारी आरसीज में क्या होता है, इंफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इंफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस नहीं थे ज्यादा, एक आधी होंगे, बट वो भी अगर आपने पैराग्राफ ढंग से पढ़ा है या उसको एक और बारी रीड कर लोगे क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यू वुड बी एबल टू आंसर देम इजीली। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके सॉर्टेड है, ज्यादा मुश्किल नहीं थे, बट ये कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की आदत होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट पैरा जम्बल्स काफी सारे थे। पैरा जम्बल्स आइड से 4 थे, 4 to 5 के अराउंड थे पैरा जम्बल्स। हाँ, सो आरसी में देवर 3 आरसीज, आईड लाइक टू ऐड कि आरसीज में देवर 3 आरसीज विद 6 क्वेश्चंस ईच। तो यू कैन नॉट एट ऑल अफोर्ड टू स्किप एन आरसी, क्योंकि आपके ये फ्री के नंबर हैं। अगर आपको आरसी पढ़ के डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है और 6 क्वेश्चंस फॉर 1 आरसी, आपको 200 वर्ड्स पढ़ के अगर 6 क्वेश्चंस आंसर करने को मिल रहा है, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट डील। तो आपका 3 पैराग्राफ्स विद 6 क्वेश्चंस ईच विच गिव्स अ टोटल ऑफ 18 क्वेश्चंस जस्ट फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये आपके जो ये फ्री के नंबर थे 18 क्वेश्चंस के, ये ग्रैब करने वाले थे बिल्कुल। मतलब इनमें गलती एक्सेप्टेबल नहीं थी अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है एंड अच्छे कॉलेज में पहुंचना है। तो रीडिंग 200 वर्ड्स कैन सेव यू अप टू 18 क्वेश्चंस। तो दैट्स अ ग्रेट ग्रेट डील इन माई ओपिनियन। एंड वो तभी हो पाएगा जब आप आरसीज अच्छे से पढ़ के उन्हें समझने की प्रैक्टिस रखोगे। अगर आपको सिर्फ आरसीज पढ़ के अच्छे से समझने की प्रैक्टिस है तो दीज 18 क्वेश्चंस आर इजीली इजीली मैनेजेबल। एक दो क्वेश्चंस होंगे जो अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन लग रही होगी या ऑप्शंस 2-3 में कंफ्यूजन होगी तो यू कैन लीव दोस, क्योंकि आपके पास 10 क्वेश्चंस का बफर है। यू कैन लीव 10 क्वेश्चंस क्योंकि आपको 50 में से जस्ट 40 अटेम्प्ट करने हैं। तो 40 out of 50 अटेम्प्ट करने हैं, 10 क्वेश्चंस का बफर है आपके पास। बट ये 18 क्वेश्चंस इतने ईजी थे कि इनमें से कोई छोड़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। नाउ कमिंग ऑन टू इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस से आपके 4 क्वेश्चंस थे। दे वर ऑल्सो वेरी इजी, वाइल्ड गूस चेज एंड ये सब, तो मैनेजेबल है। बहुत डीप डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है कि ऐसा कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड ईडीएम या फ्रेज पूछ लिया जो आपका जनरल कॉमन पार्लेंस में यूज होता है और जो हम इधर उधर सुनते रहते हैं, रीड करते रहते हैं, वो ही सब ईडियम्स एंड फ्रेजेस थे। पोएटिक डिवाइसेस एंड फिगर्स ऑफ स्पीच आईड लाइक टू से। तो ये जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया वीडियो के, थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो ये मैनेज हो जाएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं थे। ऑक्सीमोरॉन, एलिटरेशन, परसोनिफिकेशन, अगर आपको लिखा है कि यंग ट्रीज स्माइलिंग तो यू नो कि इट्स परसोनिफिकेशन, क्योंकि ट्रीज वैसे स्माइल नहीं कर सकते, बट पोएट ने उसे ऐसे इमेजिन किया कि वो एक पर्सन है एंड वो स्माइल कर रहा होता, तो वो परसोनिफिकेशन हो गई। ऑक्सीमोरॉन में कोई बहुत कोई दो ऑपोजिट चीजें हैं तो दे आर ऑक्सीमोरॉन। एलिटरेशन में कोई वर्ड या साउंड रिपीट हो रही है तो वो एलिटरेशन। तो ऐसे आपको बेसिक्स पता होंगे तो आप इजीली मैनेज कर लोगे पोएटिक डिवाइसेस एंड फिगर्स ऑफ स्पीच। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में भी, आई वोंट वेस्ट मच टाइम हियर। तो दिस वॉज द एग्जाम दैट वॉज कंडक्टेड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। एंड ओवरऑल मेरा यही ओपिनियन था कि बहुत एफर्ट की जरूरत नहीं है,
आप बस अच्छी प्रैक्टिस रखो, बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, ग्रामर आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप पैराजम्बल्स इजीली कर पाओ, ताकि आप वो कैब बेस्ड क्वेश्चन इजीली समझ आओ, आपके उसके लिए वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी एज इन डिसेंट वोकैबुलरी में भी आई गेस 40 अटेम्प्ट्स आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, 35 तो बहुत इजीली मैनेजेबल है, 5-10 क्वेश्चन हो सकता है थोड़े मुश्किल भी हो, बट 30-35 अटेम्प्ट इज वेरी वेरी इजीली मैनेजेबल इसमें, एंड सिंस आई फेल्ट कि इंग्लिश का लेवल इतना ऊपर नहीं था तो आई डोंट थिंक सो कि इंग्लिश के लिए आपको इतना वरी करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपकी डिसेंट प्रेपरेशन है तो यू बी एबल टू परफॉर्म रियली ग्रेट इन दिस एग्जाम, तो दिस वॉज माई एनालिसिस फॉर इंग्लिश पेपर। तो बाकी जो आपकी सीरीज है जिसमें मैंने पहले बिजनेस स्टडीज के बारे में भी बताया है, उसमें भी मैंने आपको यही कहा था कि अपना बेस्ट दो, एग्जाम कैंसिलेशन सेंटर चेंज ऑल दो दीज थिंग्स आर रॉन्ग दे आर आउट ऑफ योर कंट्रोल एंड द ओनली थिंग दैट यू हैव विद यू इज योर प्रिपरेशन, एंड अगर आपने मेहनत की है तो आपके साथ कुछ ऐसा अनफेयर नहीं होगा, यू वुड बी रिवॉर्डेड फॉर योर हार्डवर्क, अभी नहीं तो बाद में जरूर। तो विद दिस आई एड लाइक टू एंड दिस वीडियो, जस्ट कीप प्रिपेयरिंग, बी काम एंड डोंट वरी अबाउट थिंग्स दैट आर आउट ऑफ योर कंट्रोल। That is it. I'll see you in the next video with the analysis of some other subject. Till then, all the best and bye-bye. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's